भीख का कटोरा लेकर दर दर भटक रहे पाकिस्तान की हालत बस से बदतर होती जा रही है। पाकिस्तान इस समय भयानक आर्थिक संकट से गुजर रहा है। देश में रोजमर्रा जरूरतों की हर चीजों का अकाल पड़ा हुआ है। इस बीच खबर आई है कि पाकिस्तान की ऑयल इंडस्ट्री के पूरी तरह से ध्वस्त होने में कुछ ही दिन शेष बचे हैं। देश में पैसा न होने की वजह से यह स्थिति पैदा हो गई है। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की मुश्किलें कम होने की जगह बढ़ती जा रही हैं। इस बीच तेल कंपनियों ने शहबाज सरकार को चेतावनी दी है कि ऑयल इंडस्ट्री पूरी तरह से बिखरने की कगार पर पहुंच चुकी है। कंपनियों का कहना है कि डॉलर ना होने की वजह से और रुपए की लगातार गिरती कीमतों ने संकट पैदा कर दिया है। सूत्रों की माने तो बस कुछ ही दिन बचे हैं और पाकिस्तान की ऑयल इंडस्ट्री पूरी तरह से ढह जाएगी। शहबाज सरकार को उनके खास मित्र देशों से कर्ज नहीं मिलने से अब IMF का ही सहारा है। देश को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मिलने वाली मदद का इंतजार है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये मदद पाकिस्तान को जल्द मिलने वाली नहीं है। ऐसे में यदि पेट्रोल कंपनियों पर ताला लग गया तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का पूरी तरह से ढह जाना निश्चित है। ये पहली बार है जब पाकिस्तान इतने बड़े तेल संकट से गुजर रहा है। बता दें कि IMF की शर्तों को पूरा करने के लिए शहबाज सरकार ने डॉलर कैप को हटा दिया है। इसका नतीजा ये हुआ कि रुपया 276.58 रुपए के ऐतिहासिक निचले स्तर तक गिर गया है। इस बीच पाकिस्तान के तेल और गैस नियामक प्राधिकरण और ऊर्जा मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी गई है। इसमें तेल कंपनी सलाहकार परिषद ने कहा कि रुपए की कीमतों में अचानक गिरावट आने से उद्योग को अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। सलाहकार परिषद के मुताबिक उनके पत्र क्रेडिट LC को नई दरों पर तय किए जाने की उम्मीद है, जबकि संबंधित उत्पाद पहले ही बेचा जा चुका है। इस समय पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से गिर रहा है। इसकी वजह से ही सरकार ने LC पर भी बैन लगा दिया है। 27 फरवरी तक देश का विदेशी मुद्रा भंडार $3 बिलियन से थोड़ा ही ज्यादा था। इतनी रकम सिर्फ 18 दिन की जरूरतों को पूरा कर सकेगी। ऐसे में आने वाले दिन काफी मुश्किल भरे साबित हो सकते हैं। पाकिस्तान के रुपए की कीमत तेजी से गिरने की वजह से आयात होने वाले सामान की कीमतें आसमान छू रही हैं। ऊर्जा में पाकिस्तान के आयात बिल का एक बड़ा हिस्सा शामिल है। पाकिस्तान आमतौर पर आयातित प्राकृतिक गैस का उपयोग करके सालाना बिजली की मांग को पूरा करता है। जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है तब से ही ऊर्जा काफी महंगी हो गई है। बीते दिनों ही पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 35% तक की बढ़ोतरी हुई थी। देश में पेट्रोल 250 रुपए प्रति लीटर तक बिक रहा है। बताया जा रहा है कि कई शहरों में तो पेट्रोल पूरी तरह से ही खत्म हो चुका है। कर्ज के लिए IMF की तरफ से रखी गई शर्तों को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कल्पना से परे बताया है। शरीफ की माने तो मुश्किल होने के बाद भी वो इन शर्तों को मानने को मजबूर हैं। बता दें कि बीते मंगलवार को IMF का एक प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान पहुंचा था। ये दल 9 फरवरी को फैसला करेगा कि पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज देना है या नहीं। संकट झेल रहा पाकिस्तान 2019 से IMF से वित्तीय सहायता हासिल करने की कोशिशों में लगा हुआ है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।